अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ैन खालिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल और पहले ब्लॉग पे। आज हम लोग विजिट कर रहे हैं एक ट्रेन मेंटेनेंस डेपो। आई थॉट इट वुड बी अ वंडरफुल एंड फैसिनेटिंग अपॉर्चुनिटी कि मैं खुद भी जाकर देखूं और आप सबको भी दिखाऊं। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जो कि नेटवर्क रेल के साथ काम करता हूँ। नेटवर्क रेल क्या है? एक ब्रिटिश ओन पब्लिक कंपनी है जो कि रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करती है। उसमें ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट है जितनी भी, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन मेजर यही चीज़ें हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो ट्रेन चलती हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश रेलवेज। नेटवर्क रेल का दूसरा नाम जो है वो ब्रिटिश रेलवे भी है, प्रीवियसली था, अब नहीं बोलते हैं, लेकिन दोबारा से कंसिडर करने का सोच रहे हैं। ऊपर जो ट्रेन चलती हैं वो प्राइवेटाइज्ड हैं। उन्हीं प्राइवेटाइज्ड कंपनीज में से एक कंपनी का नाम है चिल्ट्रन रेलवेज। उसी का मेंटेनेंस डेपो हम लोग आज विजिट करेंगे। मेन टास्क क्या हो रहा है वहाँ पे? एक ट्रेन है डीजल मल्टीपल यूनिट DMU, जिसके व्हील सेट चेंज हो रहे हैं। एक बड़ी एक मज़े की चीज़ है मेरे लिए तो कि ट्रेन के व्हील्स चेंज होते हुए देखे। बंदा लें, शुरू करते हैं व्लॉग और देखते हैं कैसे सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा भाई, डेपो पहुंच गए हैं और सरप्राइजिंगली ये वेम्बली स्टेडियम के बिल्कुल सामने है। वेम्बली में तो था ही, लेकिन इतना करीब होगा कि बिल्कुल लोकेशन वेम्बली स्टेडियम के सामने है। ये है डेपो, दिस इज़ द मेन लाइन। कोई ट्रेन वगैरह अभी आई थिंक डेपो के अंदर आ रही है मेंटेनेंस के लिए, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है अंदर। अच्छा भाई, हम लोग काम क्योंकि कर रहे हैं हाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ या मशीनरी के साथ, जहाँ पे काफ़ी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेन मूव कर सकती हैं या फिर फोक लिफ्टर्स हो सकते हैं जो मूव कर सकते हैं, तो इसलिए PPE का पहनना ज़रूरी है ताकि दूसरों के लिए हाई विजिबिलिटी रहे। आप भी जब भी इस एनवायरनमेंट में काम करें तो सेफ्टी को ज़रूर कंसिडर करें। ये है चिल्ट्रन रेलवेज़ का मेंटेनेंस डेपो, सादा अल्फाज में ट्रेन की वर्कशॉप। इस कंपनी की जितनी भी ट्रेन्स हैं उनमें कोई भी इशू हो, कोई भी फॉल्ट हो, तो वो मेंटेनेंस के लिए किसी डेपो पे आती है। ऐसे इनके 3 से 4 डेपोज हैं, बट दिस इज़ द मेन वन। हेडक्वार्टर्स बोल लें आप इसको या फिर मेन वर्कशॉप कहें। हमारे सामने इस टाइम 2 डीजल मल्टीपल यूनिट्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में DMUs बोलते हैं। डीजल मल्टीपल यूनिट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये डीजल पावर ट्रेन्स हैं और दोनों साइड से ऑपरेट हो सकती है। ड्राइविंग ट्रैक फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, दरमियान में जितने मर्जी आप कैरेजेस या कार्स सैंडविचेस कर सकते हैं। दो तरह के DMUs, 168 और 165, फ़र्क क्या है? ये थोड़ी सी नई जनरेशन है, ये थोड़ी प्रीवियस ओल्ड जनरेशन है। 165 की जो टॉप स्पीड है वो 75 माइल्स पर आवर है और 168 की जो है 100 माइल्स पर आवर है। ये वाला जो मल्टीपल यूनिट है ये लॉन्ग रूट्स के ऊपर है, जो सिटी टू सिटी कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास मेन ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। 165 जो है ये टाउन्स को आपस में कनेक्ट करता है, छोटे टाउन्स हैं जहाँ पर पैसेंजर कम्यूट बहुत कम है और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, पैसेंजर डिमांड कम है, तो कंपनीज़ ये वाला यूज़ करती हैं। 50 to 60 माइल एवरेजली ये ऑपरेशन में होता है। जल्दी से एक क्विक लुक ड्राइविंग कैब की। बहुत से कंट्रोल्स हैं, कोई पता नहीं है क्या कंट्रोल्स हैं, क्या फंक्शन है। सिर्फ इतना पता है कि दिस इज़ दी की सॉकेट, जहाँ पे की का एक ख़ास तरीका होता है लगाने का, एंड दिस इज़ दी हैंड ब्रेक। ये नॉर्मल ब्रेक भी इसी से ऑपरेट होती है, और आई थिंक दिस इज़ फॉरवर्ड या रिवर्स के लिए किस डायरेक्शन में ट्रेन को मूव करना है, बेसिकली गियर है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट।
बहुत से और कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं पीछे कैब के लिए। ट्रेन को लिफ्ट करने के लिए ऐसे चार जैक्स हैं, दो इस साइड पे लगेंगे आगे और पीछे, और दो उस साइड पे लगेंगे। कहाँ पे लगेंगे एक स्पेसिफिक प्लेस है, क्योंकि स्पेशली जैक को यूज़ करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जब भी कोई ट्रेन मेंटेनेंस डेपो से इन या आउट होती है, ऐसा सायरन बजता है और आपको जैक या जहाँ पे ट्रेन में पार्क होना है उसमें आपको सायरन लाइटिंग सायरन नज़र आ रहे होंगे। ट्रेन की स्पीड 5 माइल से कम होती है। व्हील्स को स्क्रू करने के लिए पहले सस्पेंशन, ब्रेक पैड्स और प्राइमरी सस्पेंशन, ये सब कुछ अनस्क्रू होगा और उसके बाद व्हील्स एक्सेस किए जा सकेंगे। व्हील्स को ज़रा करीब से देखते हैं। करीब से अगर देखा जाए इस व्हील को तो ये जो लाइन है क्रीस नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ द बेरेस्ट मिनिमम मार्जिन, यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं व्हील को। शक लगा दिया गया, अब बस ट्रेन को उठाने की बारी है और न्यू व्हील्स इंस्टॉल। अच्छा भाई, व्हील उतर गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है कि जितनी भी सस्पेंशन और ब्रेक पैड्स वगैरह जितनी भी साथ इक्विपमेंट लगी है व्हील के, वो उतार के नए व्हील पे माउंट की जाए। जो व्हील चेंज हो रहे हैं वो हैं ट्रेलर व्हील्स, उसमें कोई ट्रैक्शन या कोई पावर नहीं होती। ट्रांसमिशन या पावर व्हील्स उनको बोलते हैं, वो हैं बैक साइड पे। एक एक करके बाकी कंपोनेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। दिस इज़ द फ्यूल टैंक, दिस इज़ द ट्रांसफार्मर जो कि इलेक्ट्रिक पैनल और ऊपर सैलून में जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, ये लाइट्स हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल यूनिट बोर्ड, दिस इज़ फायर पैनल, ऑटोमेटिक फायर पैनल है। फायर पैनल के बिल्कुल साथ इंजन है जो कि 725 किलोवाट पावर जनरेट करते हैं। अब फायर पैनल इंजन के साथ क्यों है? क्योंकि कभी भी इंजन में आग लगेगी, कुछ भी कुछ स्मोक या कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, सेंसर्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिकली फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे आग बुझा देगा। अगेन दिस सिलेंड्रिकल शेप इज़ फॉर ब्रेक्स जो कि ब्रेक के लिए प्रेशर जनरेट करता है। आई थिंक हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं इसको, ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। दिस पाइप इज़ फॉर सैंड, नॉर्मल सैंड होती है जो कि व्हील के ऊपर स्प्रे की जाती है जब भी ब्रेक अप्लाई की जाती है। ट्रैक के ऊपर जब लीव्स आ जाते हैं तो सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए, ब्रेक को इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए सैंडिंग पाइप यूज होता है। और ये है हमारे पास ट्रैक्शन व्हील्स जहाँ से सारी पावर जनरेट होती है। इट्स वेरी नेक्स्ट टू द इंजन, क्योंकि इंजन बैक साइड पे है तो ट्रैक्शन व्हील भी बैक साइड पे है। ट्रैक्शन व्हील और इंजन का कनेक्शन कैसे है? आपको वो ब्लू पाइप नज़र आ रहा है, वो है इसका ट्रांसमिशन जो कि इंजन को और व्हील को कनेक्ट करता है। गियर बॉक्स भी कह सकते हैं इसको आप, ट्रांसमिशन बॉक्स भी कह सकते हैं, एक पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। अच्छा भाई, जल्दी से एक चीज़, क्योंकि शोर बहुत है, ट्रेन ऑन है। जब भी ट्रेन को रिफिल होना होता है, दिस इज़ द फ्यूल डिस्पेंसर। ट्रेन हमेशा डेपो पे आती है और यहीं से रिफिल होती है। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है रिफिल होने में। और साथ में ही एक कूलर डिस्पेंसर है, वो भी यहीं से रिफिल होता है। अच्छा भाई, ये हैं ब्रांड न्यू व्हील्स जो कि 168 के अंदर फिट करने हैं। कितनी कॉस्ट है? 5,000 pounds, एक सेट की 5,000 pounds, दोनों की 10,000 pounds हो गए। 840 millimeters है इसकी क्रीस, यहाँ से यहाँ तक 840 millimeters।
अच्छा भाई, टाइम हो गया 12, वापस डेस्क पे आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, उनका रिस्पांस करना है, और एक तो और टास्क हैं, लॉग्स हैं, कोर्स है उसमें रजिस्टर करवाना है, वो सब अभी कर लेते हैं। आधा घंटा है हमारे पास, उसके बाद लंच ब्रेक पे चला जाऊँगा 12:30 बजे, 1:30 बजे वापस आएँगे 1 घंटे बाद। देखते हैं फिर क्या प्रोग्रेस और क्या सब कुछ चल रहा है। अभी तो व्हील्स वगैरह अनस्क्रू हुए थे, तो चलें कुछ टास्क करते हैं और लंच करते हैं। लें जी, आफ्टर 6 आवर्स ऑफ हैवी वर्क, व्हील्स हो गए हैं सेट, ट्रेन कर दी गई है, अनचेक एंड हियर वी गो। अच्छा भाई, टाइम हो गया 4, सुबह 9 बजे आए थे और 4 हो गए हैं। मेंटेनेंस भी ख़त्म हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ नया सीखा है, जो भी सीखा है आपको भी ट्रांसफ़र किया है, आपको भी उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। ऐसे सपोर्ट करते रहें, और कोई भी फीडबैक है, कुछ नया देखना चाहते हैं आप बताएं मुझे, होपफुली आई विल ब्रिंग इट टू यू। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़। घर आ गए हैं वापस और मौसम के सीन्स चेक करें आप।